चूहे से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 200 की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि गाड़ी चलाने वालों को अच्छी खासी कसरत करनी पड़ती है। बिलासपुर से होते हुए यह सड़क जांजगीर, वायगढ़, उड़ीसा, महासमुंद के लिए जाती है और इस रोड पर मस्तूरी के पेंजलवार पेट्रोल पंप से लेकर जयराम नगर मोड़ तक सड़क पर जगह जगह डामर उखड़ने की वजह से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और ऐसा नहीं है कि जिम्मेदार अधिकारियों को इन तमाम चीजों की जानकारी नहीं। रोजाना इसी रास्ते से अधिकारियों की भी गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है जनाब, क्योंकि पैदल तो चलना नहीं है। इस बारे में जब पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की गई तो उनका कहना था कि सड़क पर गड्ढे तो हो रहे हैं, ठेकेदार की जिम्मेदारी बनती है, जबकि ठेकेदार इस बात पर गोलमोल जवाब देते नजर आते हैं। ऐसे में सवाल तो यह है कि कौन है जो इस सड़क की स्थिति के लिए जिम्मेदार है और कौन इसकी मरम्मत करवाएगा। मरम्मत करवाने के लिए भी किसी की तो जिम्मेदारी बनती है। तो तस्वीरें देख के अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। महोदय लोग जाते हुए विधायक लोग, लेकिन किसी को सुध नहीं है। मस्तूरी का शहर जो गांव से भी बदतर है, इसके बारे में हम लोग एक अभी बैठक वैठक करके तो वही हम लोग एक आंदोलन करने के लिए तैयारी में है। व्यापारी संघ मस्तूरी और जनता और ज्ञापन के रूप में हम लोग एसडीएम मैडम को और कलेक्टर को और मुख्यमंत्री महोदय जी को भी देने के लिए तैयारी में है हम लोग। हरिओम श्रीवास्तव जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। हरिओम, राज्य में सरकार बदल गई, वक्त है बदलाव का नारा भी दे दिया, बदलाव की बयार आ गई, नहीं बदली तो मस्तूरी की सड़क। जी मैडम, बताना चाहूंगा कि मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ लगभग 5 वर्षों से सड़क के निर्माण के लिए लगातार मांग है। नेशनल हाईवे मार्ग ये उड़ीसा, जांजगीर, श्रीनगर, रायगढ़ सबको यहाँ जोड़ता है और इस मार्ग इतनी जर्जर हालत में है कि लगातार पिछले पंचवर्षीय में देखा जाए तो भाजपा की सरकार है, उसमें कांग्रेस के विधायक है और अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी के विधायक है। लगातार एक दूसरे से आरोप लगाते हैं कि ये सरकार हमारी नहीं है, इसलिए सड़क के निर्माण। अरे विधायक को भी तो विधायक निधि मिलती है, उससे ही सड़क का निर्माण कार्य क्यों नहीं करवा दिया जाता। सांसद 10 साल अगर बात की जाए तो 9 सांसद वहां पर है और लंबे वक्त से अगर बात की जाए तो 10 सांसदों ने, भारतीय जनता पार्टी के 10 सांसदों ने प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है, उसके बाद भी ये स्थिति। कौन है यहाँ पे क्षेत्रीय सांसद, कौन है जनप्रतिनिधि, कौन है, क्या उनको कोई सरोकार नहीं है जनता की समस्याओं से? बिल्कुल, लगातार यहाँ पर मंत्रियों का भी सांसद विधायकों का आना जाना लगा था इस सड़क पे, लेकिन जर्जर हालत में इनको बड़ी कार वाहनों से आना जाता है, लेकिन सड़क की नजर कभी नहीं देख पाते और विभागीय अधिकारी भी इस पर चलना चाहते थे कि सड़क निर्माण होगा और इसके लिए ठेकेदार भी निर्माण की बात किया गया था, लेकिन उनके द्वारा सिर्फ गिट्टी को डाल दिया जाता है जिससे पानी बरसात आता है तो पूरे गड्ढे में तब्दील हो जाता है और पूरी गिट्टी निकल जाता है। कई बार इसकी शिकायत भी उच्च अधिकारियों से किया गया, लेकिन वो भी सफाई नहीं थी कि इनके निर्माण कार्य ठेकेदार ही करवाएंगे, अगर पीडब्ल्यूडी निर्माण करना रहता है और वो भी अपना पल्ला झाड़ते रहते हैं। बिलासपुर के सांसद कौन है? ये अभी वर्तमान में सांसद जी साहू जी हैं, अरुण साहू जी हैं और उनसे भी चर्चा हुई तो वो भी बताया कि इसे निर्माण के लिए अपने प्रक्रिया कर दिए हैं और मसूरी विधायक भी धरना में बैठने की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो अन्य राज्यों की